Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Geetanjali. Today we are going to learn most important and very interesting chapter. So student, let's start it. Our chapter name is surface chemistry. So bachcho, aaj hum padhenge surface chemistry ke bare mein, jo ki bahut hi zyada important chapter hai. So bachcho, lecture shuru karte hain. To pehla hamara topic hai adsorption. Humne pehle suna hai absorption, ab hamara ek naya आ गया एडसॉर्प्शन. सो बच्चों एडसॉर्प्शन क्या होता है कि ये देखते हैं, ठीक है बच्चों. तो जो हमारा जो पहला पॉइंट है ये हमारा ये होता है जो एक्युमुलेशन हो जाता है मॉलिक्यूलर स्पीसीज में हमारे सरफेस में, ठीक है. या तो बल्क हो जाएगा हमारे सॉलिड या लिक्विड में, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एडसॉर्प्शन कहेंगे बच्चों, ठीक है. एब्जॉर्प्शन ही एडसॉर्प्शन, ठीक है. इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, इस फिनोमिना को सरफेस फिनोमिना कहेंगे, ओके बच्चों. और जो इनका जो कंसनट्रेटेड होता है ये एब्सोर्बेट होता है और ये इंक्रीज हो जाता है हमारी सरफेस एब्सोर्बेंट में, ओके बच्चों. अब हमारा एडसोर्बेट, सो बच्चों मतलब एडसोर्बेट क्या होता है कि जो हमारा जो सरफेस है वो हमारे एडसॉर्ब हो जाता है हमारे सरफेस में हमारे अनदर सरफेस में भी, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एडसोर्बेट कहेंगे, ठीक है बच्चों. अब है हमारा एडसोर्बेंट. सो बच्चों एडसोर्बेंट क्या होता है कि जो हमारा जो सब्सटेंस है वो हमारे प्रेजेंट रहता है बल्क में हमारे सब्सटेंस में, जिससे कि हमारे से एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे होता है. तो इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, इस फिनोमिना को कहेंगे एडसोर्बेंट, ठीक है बच्चों. अब है हमारा नेक्स्ट डिसऑप्शन. सो बच्चों डिसऑप्शन क्या होता है कि एक प्रोसेस है जिससे कि हमारा रिमूव होता है एब्सोर्बेट सब्सटेंस हमारे सरफेस में से, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डिसऑप्शन कहेंगे, ओके बच्चों. अब है हमारा एब्सॉर्प्शन. सो बच्चों एब्सॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है. एब्सॉर्प्शन, ठीक है, ये एक फिनोमिना है जिससे कि हमारा जो सब्सटेंस है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे बल्क की सॉलिड सरफेस में, ठीक है. तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको बल्क फिनोमिना भी कहेंगे. और इनका जो कंसंट्रेशन होता है ना, ये हमारा कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट, जैसे कि हमारे बल्क ऑफ द सॉलिड में, ओके बच्चों. बात करें सॉर्प्शन में क्या होता है कि जो हमारा एब्सॉर्प्शन और हमारा मतलब कि एडसॉर्प्शन और हमारा एब्सॉर्प्शन जब दोनों एक साथ होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सॉर्प्शन कहेंगे, ओके बच्चों. बच्चों अब है हमारा एंथैल्पी और हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन. सो बच्चों एंथैल्पी और हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है. तो हमारा जो एड्सॉर्प्शन होगा ना, ये हमारा रिलीज़ करेगा एनर्जी, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम एक्सोथर्मिक कहेंगे. और जो कि कैसा होगा, वो हमारा एक्सोथर्मिक नेचर में होगा, ठीक है बच्चों. जो हमारा जो एंथैल्पी है वो हमारा चेंज हो जाएगा एड्सॉर्प्शन में, जिससे कि हमारा वन मोल ऑफ एब्सोर्बेट होता है ना वो सरफेस में, वो हमारा एब्सोर्बेंट है, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा एंथैल्पी हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन कहलाएगा, ओके बच्चों. अब है हमारे टाइप्स ऑफ एब्सॉर्प्शन. बच्चों कितने टाइप्स के एड्सॉर्प्शन होते हैं, ठीक है बच्चों. ये जो होते हैं ये मोस्टली दो टाइप के होते हैं, फिजिकल एब्सॉर्प्शन और केमिकल एब्सॉर्प्शन. तो पहले पढ़ते हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन. तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि ये देखते हैं, ठीक है. जो हमारा एब्सोर्बेंट होता है ना, ये हमारे सरफेस में होता है, जिससे कि हमारा एब्सोर्बेंट होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है. क्यों, क्योंकि वैन डर वाल फोर्स की वजह से, ठीक है. जो हमारा जो एड्सॉर्प्शन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा फिजिकल एड्सॉर्प्शन कहता है या फिजियोसॉर्प्शन कहता है, ठीक है बच्चों. ये नॉन स्पेसिफिक होता है और ये कैसा होता है, ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है बच्चों. और जो इनका जो अमाउंट ऑफ गैस है ना, ये मोस्टली किस पे डिपेंड होता है, नेचर पे डिपेंड होता है, जिस ठीक है. और जो ये इजीली लिक्विफिबल हो जाता है, जैसे कि अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो गैस होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और एक्सटेंज हो जाता है H2 और हीलियम में, जो कि हायर क्रिटिकल टेम्परेचर में भी जो हमारा गैस होता है वो एक्सटेंज हो जाता है हमारे एड्सॉर्बेंट में, मतलब कि एड्सॉर्प्शन में, ठीक है बच्चों. और जो हमारा जो एड्सॉर्प्शन होता है ना, ये इंक्रीज होता है हमारे सरफेस एरिया में. जो हमारा जो पोरस होता है ना, ये हमारा डिवाइड होता है मेटल्स में, ठीक है, जो कि गुड एब्सॉर्बेंट होता है, ठीक है बच्चों. और जो हमारा जो वीक वैन डर वाल फोर्स होता है ना, ये अट्रैक्शन होता है हमारे एब्सॉर्बेंट और एब्सॉर्बेंट में, ठीक है बच्चों. और जो ये होता है, लो एंथैल्पी भी होता है हमारे एब्सॉर्प्शन में, जैसे कि हमारे 20 से लेकर 40 kJ मोल
वन इनवर्स तक. ओके बच्चों, और इनका जो होता है ये लो लो टेम्परेचर फ्लेवर होता है और इन पे एप्रिशिएबल नहीं होता एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है बच्चों, और ये जो होता है ये मल्टी सेलुलर लेयर्स होता है. ओके, और जो ये होता है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केमिकल एब्जॉर्प्शन. ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको केमियोसॉर्प्शन भी बोलेंगे. ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट ये है जो हमारा जो फोर्स है वो हमारे एब्जॉर्पेट होता है ऐसा स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, क्यों, क्योंकि केमिकल बॉन्ड की वजह से. और जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम केमिकल एड्सॉर्प्शन कहेंगे या केमियोसॉर्प्शन कहेंगे. ठीक है बच्चों, ये हाईली स्पेसिफिक होता है और इरिड्यूसिबल इन नेचर होता है. ओके बच्चों, और जो ये अमाउंट ऑफ गैस होता है ना ये हमारे एब्जॉर्ब नहीं होता है हमारे क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैसेस में भी, और ये इंक्रीज़ होता है जब हमारा सरफेस एरिया भी इंक्रीज होता है. ठीक है बच्चों, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जिससे कि अट्रैक्शन होता है वो सिमिलर होता है हमारे केमिकल बॉन्ड से. ओके, और जो इनका जो होता है ये एंथैल्पी ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन ये हमारा कितना होता है 180 से लेकर 240 केजे मोल इनवर्स तक होता है, और ये हाई टेम्परेचर होता है फ्लेवर में. ठीक है, फेवरेबल में. ठीक है बच्चों, और इनमें क्या होता है कि इनमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी होता है. क्यों, क्योंकि इनमें ज़रूरत होती है और यूनि मॉलिकुलर लेयर्स होती है. ओके बच्चों, अब है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड. ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ एड्सॉर्पेट. सो बच्चों, इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो फिजिकल एब्सॉर्बेट होता है ये नॉन स्पेसिफिक होता है. ठीक है, जिसके वजह से जो जितने भी गैस होता है ना जिसमें जिससे एब्जॉर्ब हो जाता है सरफेस में, और जो सॉलिड है वो लेसर हो जाता है अगर बात करें गिटर एक्सटेंड हो जाता है. ठीक है, और जो इजीली लिक्विफेबल गैस हो जाता है जैसे कि अमोनिया, HCl. ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है बच्चों, और इनमें क्या होता है कि इनमें हायर क्रिटिकल टेम्परेचर की वजह से जो ये होता है ये ग्रेटर एक्सटेंड हो जाता है. ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो हमारे एड्सॉर्बेट होता है ना ये हमारा लेस एक्सटेंड हो जाता है. ठीक है बच्चों, और जो बात करें तो अगर केमिकल एब्सॉर्बेंट की, तो ये हाईली स्पेसिफिक के कारण जो हमारे जो गैसेस होता है ये एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे स्पेसिफिक सॉलिड में, जिसके वजह से ये एंटर कर देते हैं हमारे केमिकल कॉम्बिनेशन में. ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ एब्सॉर्बेंट. तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा एक्टिवेटेड कार्बन होता है ना, जैसे कि मेटल ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिका जेल, क्ले, कॉमनली यूज्ड इन एब्सॉर्बेंट. ठीक है, और जो इनमें होता है इनमें स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन होता है जो कि डिपेंड होता है पोर्स में. ओके बच्चों, थर्ड है हमारा स्पेसिफिक एरिया ऑफ एब्सॉर्बेंट. तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रेटर स्पेसिफिक एरिया होता है ना ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है एब्जॉर्प्शन में. ठीक है, और जो जिसकी वजह से जो पोरस है वो डिवाइड हो जाता है एब्जॉर्बेंट में, जिसके जो हमारा जो एब्जॉर्बेंट होता है ना वो हमारे लार्ज क्वान्टिटी में एब्जॉर्बड हो जाता है. ठीक है बच्चों, जो हमारे जो पोर्स होते हैं ना वो हमारे लार्ज और अलाउ कर देते हैं हमारे गैस मॉलिक्यूल को एंटर करने से. ठीक है, और प्रेशर ऑफ गैस में क्या होगा, जो हमारे फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है जब प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं. ठीक है बच्चों, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या होता है, ठीक है, ये देखते. ठीक है, जो वेरिएशन होता है ना हमारे गैसेस में, ठीक है, अमाउंट ऑफ गैसेस में जो कि एड्सॉर्ब्ड हो जाता है एड्सॉर्बेंट, साथ में प्रेशर जो कि मोस्टली कांस्टेंट रहता है. ठीक है, और जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं कर्व्ड से. ठीक है, और जो हमारा एब्सॉर्बेंट है वो हमारा आइसोथर्मल हो जाता है. ठीक है बच्चों, वह अब है हमारा फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्मल, जिससे कि क्या होता है कि जो हमारा जो रिलेशनशिप होता है ना x/m. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, तो x/m इक्वल टू kp1/n, जो कि हमारे n जो होता है वो एक से कम होता है. ठीक है बच्चों, जिसके वजह से जो हमारा जो प्रेशर है वो गैस का वो हमारा कांस्टेंट रहता है, और टेम्परेचर तो उसको हम क्या कहेंगे, एड्सॉर्प्शन कहेंगे आइसोथर्मल, जिससे जो कि हमारा गिवन करता है. ठीक है, और जो हमारा जो
एक्स मास है ना गैस का, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, और जो मास है एम वो एब्जॉर्बेंट हो जाता है, और जो गैस होता है वो पार्टिकुलर टेम्परेचर में के हो जाता है, ठीक है, मोस्टली डिपेंड होता है नेचर ऑफ गैस पे, ठीक है बच्चों। जो हमारे जो सॉलिड होता है ना एक्स अपॉन वाई जो वो हमारा फर्स्टली इंक्रीज़ हो जाता है जब हमारा प्रेशर इंक्रीज़ होता है एट लो प्रेशर, जब हम जो बट ये इंडिपेंडेंट हो जाता है हाई प्रेशर में। बच्चों आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो ना, ठीक है बच्चों। अब है हमारा कैटलिस्ट। सो बच्चों कैटलिस्ट में देख तो क्या होता है, एक सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। तो इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, इस फिनोमिना को कैटलिस्ट कहेंगे। बच्चों जो प्रमोटर, प्रमोटर क्या होता है कि एक सब्सटेंस होता है जो कि इंक्रीज़ कर देता है एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एमओ है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रमोटर है, जैसे कि हमारा एफईओ कैटलिस्ट है। तो ये हार्बर प्रोसेस में आप देख सकते हो, जब हमारा जो N2 है वो रिएक्ट हो गया H2 से, तो इन दी प्रेजेंस ऑफ Fe एंड MO तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें अमोनिया मिल जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये हमारा प्रोसेस हबर प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है बच्चों। अब है हमारा कैटालिटिक पॉइजन, तो इसको इनहिबिटर भी कहेंगे, जिससे कि सब्सटेंस क्या होता है ये डिक्रीज हो जाता है जिनका एक्टिविटीज़ होता है हमारे कैटलिस्ट में। फॉर एग्जांपल जैसे कि आर्सेनिक है जो कि एक्ट होता है कैटलिक पॉइजन में, ठीक है, जो मैन्युफैक्चर होता है हमारे सल्फोरिक एसिड में, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, तो बच्चों कितने टाइप्स के कैटलिस्ट होते हैं, मोस्टली दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, जैसे पहला है हमारा होमोजीनियस कैटलिस्ट, दूसरा है हेटरोजीनियस कैटलिस्ट, ठीक है। बट जो हमारे जो अब तो हम हायर क्लास में आ गए, तो जो टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट है ये हम बहुत टाइप के पढ़ेंगे, जैसे एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो पहले पढ़ेंगे हम होमोजीनियस कैटलिस्ट। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्ट होता है वो हमारा सेम फेज में होता है, जिसके वजह से जो कैटलिटिक प्रोसेस है उसको हम होमोजीनियस कैटलिस्ट कहेंगे। और हेटरोजीनियस होता है, ठीक है, जो हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो हमारा डिफरेंट फेज में होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम हेटरोजीनियस कैटलिस्ट कहेंगे, ठीक है बच्चों। और जो हमारा जो एक्टिविटी है कैटलिस्ट का, ये हमारा एबिलिटी होता है कैटलिस्ट का, वो इंक्रीज़ कर देता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है बच्चों। और जो हमारा सेलेक्टिव फोर्थ है हमारा सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो एबिलिटी होता है ना कैटलिस्ट का, वो हमारा डायरेक्ट होता है रिएक्शन में एक पार्टिकुलर में, ठीक है बच्चों। अब है हमारा ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है कि ये मोस्टली होमोजीनियस होता है, और इनका जो डायामीटर होता है ये पार्टिकल्स का ये लेस देन 1 mm होता है, ठीक है बच्चों। और ये पास होता है हमारे फिल्टर पेपर से भी पास हो जाता है, ठीक है। और जो पार्टिकल है इसको हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है बच्चों, जब तक हम माइक्रोस्कोप जब तक यूज़ ना कर सकें, ओके बच्चों। अब है हमारा कोलाइड। सो बच्चों कोलाइड क्या होता है कि ये हमारा होमोजीनियस होता है, ठीक है बच्चों, बट ये एक्चुअली दिखाई कैसे देता है हमें, हेटरोजीनियस। जो इनका जो डायामीटर होता है ना एक एक पार्टिकल का, तो वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा 1 nm से लेकर 1000 nm तक होता है, और ये पास हो जाता है हमारा ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो कि हमारा अल्ट्रा फिल्टर्स होता है, ठीक है। और ये जो पार्टिकल्स होता है ये हम देख सकते हैं पावरफुल माइक्रोस्कोप से, जो कि बहुत ज़्यादा स्क्रैटिंग की ज़रूरत होती है लाइट की, तो उसके मदद से हम देख सकते हैं, ओके बच्चों। अब है हमारा सस्पेंशन। सो बच्चों सस्पेंशन क्या होता है, ये मोस्टली हेटरोजीनियस होता है, और जो इनका डायामीटर होता है ना इस टाइप के पार्टिकल का, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जैसे कि 1000 nm तक, ठीक है। और ये पास नहीं होता है हमारे फिल्टर पेपर से भी, और ये हम देख सकते हैं हमारे अपने आँखों से भी, ठीक है बच्चों। डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेस ये होता है जो हमारा जो सब्सटेंस है वो हमारा वेरी फाइन पार्टिकल होता है, ठीक है बच्चों, जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा सके। डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है कि जो हमारा जो सब्सटेंस है वो हमारे प्रेजेंट रहता है लार्ज क्वांटिटीज में, ठीक है बच्चों। अब हमारा लायोफोबिक सॉलिड, जिसमें कि क्या होता है कि जो हमारा जो कोलाइड है ये हमारा लिक्विड हीटिंग होता है, ठीक है बच्चों। और जो कोलाइड होता है ना पार्टिकल्स, ठीक है, वो डिस्पर्स फेज में होता है, जिसके वजह से ये एफिनिटी नहीं करता है, और ये क्यों हमारे डिस्पर्सन मीडियम में, ठीक है। और जो ये होता है ये दे आर नॉन स्टेबल, और ये मोस्टली स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। और जो ये होते हैं ये हमारे
मिक्स नहीं होते हमारे कोई भी सब्सटेंस में डायरेक्टली, ठीक है बच्चों। और जो ये होता है ये स्टेबिलिटिंग एजेंट होता है प्रिजर्वेशन में, ठीक है। और जो ये मोस्टली इरिसेबल सोल्स होते हैं, ओके। लायोफिलिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, देखो ये एक टाइप का कोलाइड होता है, ठीक है, जो कि हमारे लिक्विड लविंग में होता है, मतलब कि मोस्टली लिक्विड लविंग होता है। जो हमारे जो कोलाइड पार्टिकल्स है ना, ये डिस्पर्स्ड मीडिया डिस्पर्स्ड फेज होता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा एफिनिटी होता है, जिसके वजह से डिस्पर्सन मीडियम शो करता है। और ये कैसा होता है, ये स्टेबल होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है बच्चों। और ये जो होता है ये प्रिपेयर नहीं होता है, ठीक है, मिक्सिंग सब्सटेंस डायरेक्टली, पर ये प्रिपेयर होता है सिर्फ स्पेशल मेथड में, ठीक है बच्चों। और ये जो होता है ये इनमें ज़रूरत नहीं होती है स्टेबलाइजिंग एजेंट की, जिससे कि वो अपना प्रिजर्वेशन कर सके। और जो ये होता है ये मोस्टली रिवर्सेबल सोल्स होते हैं, ओके। अब है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। तो पहला है हमारा मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स। तो इनमें क्या होता है कि जो हमारा कोलाइड है, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल है, वो हमारा एग्रीगेट हो जाता है एटम में या स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। और जो उनका डायमीटर होता है कोलाइडल पार्टिकल का, वो हमारा बहुत कम होता है, ठीक है, 1 mm से भी, ठीक है बच्चों। अब है हमारा माइक्रो मॉलिकुलर कोलाइड। इसमें क्या होता है कि जो कोलाइड होता है ना, ये डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स होते हैं, जिसके वजह से लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो कि यूजली पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है बच्चों। और जो इनका जो मॉलिकुलर होता है ना, ये डायमेंशन होता है, अगर कंपेयर करें हम कोलाइडल पार्टिकल डिस्पर्सन, तो ये हमारा क्या होगा, ये मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड होगा, जैसे कि हमारा प्रोटीन स्टार्च सेलुलोज और हमारा मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड, ओके बच्चों। अब है हमारा एसोसिएटेड कोलाइड, जैसे कि हम मिसेल भी कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होता है कि देखते हैं, ठीक है, जो हमारा जो कोलाइड है ये हमारा बिहेव करेगा एज अ नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, जो कि एट लो कॉन्सेंट्रेशन। बट जो हमारा जो कोलाइडल प्रॉपर्टी होता है ना, ये हमारा हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है, क्यों, क्योंकि इनमें फॉर्मेशन हो जाता है एग्रीगेट पार्टिकल्स का, जिसकी वजह से ये क्या होता है, जिसकी वजह से ये कोलाइडल डेमिशन शो करता है, ठीक है बच्चों। और जो ये सब्सटेंस होता है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एसोसिएटेड कोलाइडल कहेंगे, ठीक है बच्चों। और हमारा ग्राफ टेम्परेचर, जिसको हम टी के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा जो मिसाइल होता है ना, ये हमारा बनता है, ठीक है, जो एक सर्टेन टेम्परेचर में, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम ग्राफ टेम्परेचर भी कहेंगे, ठीक है। जो अब हमारा क्रिटिकल मिसाइल, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो हमारा जो मिसाइल है ये हमारा बनेगा एक पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में, जिसको हम क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन भी कहेंगे, ओके बच्चों। अब हमारा सोप, सोप क्या है, एक हमारा केमिकल्स है, ठीक है, जैसे कि बनता कैसे है, हमारा सोडियम पोटेशियम साल्ट से, जो कि हायर फैटी एसिड होते हैं, जिसको हम सोडियम सेरेटेड कहेंगे, ठीक है, जैसे कि सोडियम जो मेथड होता है हमारे कोलाइड का, ठीक है बच्चों। अब है हमारा केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में क्या होता है कि जो हमारा जो कोलाइड होता है ये हमारा प्रिपेयर्ड होता है केमिकल रिएक्शन से, जो कि फॉर्म करता है हमारे मॉलिक्यूल्स में, ठीक है बच्चों। जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो एग्रीगेट हो जाता है हमारा सॉल्स, मतलब कि वो क्या बनता है, वो हमारा सॉल्स बनाता है, ठीक है बच्चों। अब है हमारा इलेक्ट्रिकल डिसिग्निकेशन और बेडिंग्स एक्ट मेथड। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो इलेक्ट्रिक आर्क है, ठीक है, स्ट्रक बिट जो होता है वो हमारे इलेक्ट्रोड में होता है मेटल, जो कि इमल्स्ड हो जाते हैं डिस्पर्जन मीडियम में, ठीक है बच्चों। जो इंटेंस हीट होता है ना, जिसकी वजह से वेपराइज हो जाता है हमारे मेटल में, जो कि कंडेंस हो जाता है पार्टिकल्स में, जो कि हमारा कोलाइडल साइज में। बच्चों अब है हमारा पेप्टिजाइजेशन। ये क्या होता है, एक प्रोसेस है जो कि कन्वर्ट हो जाता है हमारा कोलाइडल सॉल्ट, ठीक है, जब हम शेक करते हैं डिस्पर्सन मीडियम में इन दी प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बच्चों। और जो ये जो होता है इलेक्ट्रोलाइट, ये यूज्ड होता है हमारे पर एक यू, ठीक है, मतलब एक पर्पस के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पेप्टिजाइजिंग एजेंट कहेंगे बच्चों। अब है हमारा प्योरीफिकेशन ऑफ कोलाइड। तो पहले हमारा डायलिसिस। तो इसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिससे रिमूव होता है डिजॉल्व सब्सटेंस, ठीक है, जो हमारा क्या बनाता है, वो हमारा कोलाइडल सोल्यूशन बनाता है, ठीक है, जो कि डिफ्यूजन हो जाता है हमारे सुटेबल मेम्ब्रेन में,
बच्चों अब है हमारा इलेक्ट्रो डायलिसिस। इसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है, डायलिसिस होता है, ठीक है, क्वाइट स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है बच्चों, जो कि हमारा क्या बनता है, हमारा हमारा फास्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जो कि डिसॉल्व हो जाता है हमारे सस्पेंड इम्प्योर कॉर्डल सॉल्यूशन में, जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक कहेंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होगा, जो एक प्रोसेस है जो कि सेपरेट करता है हमारा कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है बच्चों, सॉल्वेंट्स और सोल्यूबल सॉल्यूट से, ठीक है, जो कि हमारे किस में प्रेजेंट रहता है, हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहता है, जो हमारा किससे बनता है, जो हमारा फिल्टर से बनेगा, और जो हमारा जो पिमेबल है ना, ये जो सब्सटेंस का, वो हमारा कैसा हो जाएगा, वो हमारा कोलाइडल पार्टिकल्स में हो जाएगा। ओके बच्चों, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या होगा, जो हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, ये हमारा किस में होगा, एक ट्यूब में होगा, जो जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग कहेंगे, ठीक है। जब ये रोटेट होगा ट्यूब एट हाई स्पीड, ठीक है, जो कोलाइडल का और जो कोलाइडल पार्टिकल्स है, ये सेटल डाउन हो जाएगा एकदम नीचे ट्यूब में, जो जितने भी इम्प्योरिटीज हैं वो हमारा किस में आ जाएगा, वहीं रह जाएगा, ठीक है बच्चों। और जो हमारा जो सेटल डाउन पार्टिकल है, वो हमारा मिक्स हो जाएगा डिस्पर्जन मीडियम में, जो कि रीजनरेट हो जाएगा। ओके बच्चों, अब है हमारा कलर, ठीक है, जो हमारा कलर है, ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, जो कि मोस्टली किस पे डिपेंड है, हमारे वेवलेंथ पे डिपेंड है, जो कि स्कैटर्ड लाइट है, ठीक है, जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल है, वो हमारा टर्न हो जाएगा नेचर में, जिसके वजह से साइज ऑफ पार्टिकल हमें दिखने लग जाएगा, ठीक है। और जो हमारा जो कलर है, वो मोस्टली डिपेंड रहता है हमारे लाइट के वजह से, जो कि रिसीव करता है हमारे अब्सॉर्बर्स में। ओके बच्चों, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक ब्राउनिंग मूवमेंट। सो ब्राउनिंग मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल है, हमारा कैसा मूव होता है, जिगजैग पाथ में मूव होता है, जिसके वजह से एक मोशन होता है, जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल होता है, वो डिस्पर्जन मीडियम में होता है कॉन्टीन्यूसली, ठीक है, जिसको साथ ही में कोलाइडल पार्टिकल्स के साथ, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ब्राउनिंग मूवमेंट कहेंगे। ओके बच्चों, अब है हमारा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। सो बच्चों, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो हमारा जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है ना, जैसे कि हमारा ऑस्मेटिक प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिस्पर्जन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों, तो ये हमारे स्मॉल ऑर्डर में होगा अगर कंपेयर करें तो हम ट्रू सॉल्यूशन की बात, क्योंकि एट सेम टेम्परेचर में। बच्चों, टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि स्कैटरिंग ऑफ बीम लाइट होता है ना, जिसके वजह से हमें क्या नज़र आता है, जिसके वजह से हमें कोलाइडल पार्टिकल नज़र आता है, तो उसको हम टिंडल इफेक्ट कहेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे कि हमारा ब्राइट कोन है ना लाइट का, ठीक है, वो हमारा क्या है, वो हमारा टिंडल कोन है, ठीक है बच्चों। चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, देखो चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल में क्या होगा, जो हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल है ना, ये हमारा कैरी होगा इलेक्ट्रिक चार्ज से, जो हमारा जो नेचर है ना चार्ज का, वो हमारा सेम रहेगा सारे पार्टिकल्स में, जो कि हमें क्या देगा, हमें कोलाइडल सॉल्यूशन देगा, जो कि हमारा मोस्टली पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा, ठीक है। हेल्मनटॉन्स इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इसमें क्या होगा, जो हमारे जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ना, वो अक्योर होगा हमारे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज में, जो कि हमारा सिलेक्ट होगा एड्सॉर्प्शन में, जो कि एक आयन से जो अट्रैक्ट होगा हमारे काउंटर आयन, जो हमारा क्या, जो कि हमें क्या बनाएगा, हमें मीडियम बनाएगा, जिसके वजह से हम सेकेंड लेयर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। जब हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा सेकेंड लेयर का, जो हमारा जो अपोजिट चार्ज है ना कोलाइडल पार्टिकल का, ठीक है, वो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम हेल्मनटॉन्स इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहेंगे। ओके बच्चों, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जेटा पोटेंशियल क्या होता है कि एक पोटेंशियल होता है, ठीक है, जो कि किन के बीच में होता है, फिक्स लेयर और हमारे डिफ्यूज लेयर के बीच में होता है, जो कि जिसमें हमारा अपोजिट चार्ज होता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कहेंगे या जेटा पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है बच्चों। अब है हमारा इलेक्ट्रो प्रोसेसेस, ठीक है, इलेक्ट्रो प्रोसेसेस में क्या होगा कि जो हमारा जो मूवमेंट होगा ना कोलाइडल पार्टिकल्स का, ठीक है, वो हमारा अप्लाइड होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहेंगे। ओके बच्चों, कोगुलेशन और पार्टिसिपेशन, ये क्या है कि जो एक प्रोसेस है सेल्डिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, जो कि पार्टिसिपेट होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कोगुलेशन कहेंगे,
ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ इमल्शन, ठीक है कितने टाइप्स के इमल्शन होते हैं, ठीक है दो टाइप के इमल्शन होते हैं, वाटर डिस्पर्स इन ऑयल, ठीक है ऑयल डिस्पर्स इन वाटर, जो जब हमारा जो वाटर है वो डिस्पर्स फेज में होगा, जो हमारा ऑयल है वो हमारा डिस्पर्स मीडियम में होगा, जैसे कि हमारा बटर। ठीक है बच्चों, ऑयल डिस्पर्स इन वाटर मतलब कि जो कि हमारा ऑयल है वो हमारे डिस्पर्स फेज में होगा, ठीक है, और जो हमारा जो वाटर है वो हमारे डिस्पर्सन मीडियम में होगा, जैसे कि हमारा मिल्क। बच्चों अब है हमारा इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है, ठीक है इस्टेब्लिशिंग प्रोसेस होता है इमल्शन का, जिससे कि हमारा इमल्सिफायर बनता है। ठीक है बच्चों, जो हमारा जो इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट होता है ना, एक सब्सटेंस होता है जो ऐड होता है हमारा स्टेबलाइज इमल्शन में, जैसे कि हमारा सोफ गम, ठीक है। डीमल्सिफिकेशन होता है एक प्रोसेस होता है जिससे कि ब्रेक हो जाता है हमारा इमल्शन जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड में, जो बाय फ्रीजिंग बॉइलिंग या सेंट्रीफ्यूगेशन या सम केमिकल मेथड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डी इमल्सिफिकेशन हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।